नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः सक्सेस मिरर कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और हिंदी की क्लास में आपको ये बताया गया था संधियों के बारे में, और जो कि संधि में आपको ये भी बताया गया था स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और चर्चा भी कर चुके थे। जैसा कि आपको पता है कि जो संधि होती है, संधि जोड़ने तथा तोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि को मैंने आपको बताया था डीपली में, आपको बेहतर तरीके से मैंने समझाया भी था, और संभवतः आपने अगर मेरे इस वीडियो को देखा होगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा, ठीक है। स्वर संधि में मैंने आपको ये बताया था, जो स्वर संधि होती है वो पांच प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आयादि स्वर संधि, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने बता दिया था, इसके बारे में कई सारे आपको एग्जाम्पल्स भी बताए गए थे, तो ये चर्चाएँ आपके सामने हो चुकी थी। आज हम प्रारंभ करेंगे या शुरुआत करेंगे व्यंजन संधि के बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, अब सबसे पहले आपको यह बच्चा पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, जब दो, लिखिए लिखिए लिखिए, जब दो शब्दों का मेल, जब दो शब्दों का मेल दो व्यंजनों के माध्यम से, अथवा एक व्यंजन एक स्वर के माध्यम से होता है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। मेरे कहने का मतलब यह है, फिर से आप लोग समझिएगा, जब दो शब्दों का मेल दो व्यंजनों से होता है, या एक व्यंजन एक स्वर के माध्यम से होता है, तो वहां पर सदैव और सदैव व्यंजन संधि होती है। तो आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, जब दो शब्दों का मेल, जब दो शब्दों का मेल दो व्यंजनों के माध्यम से, दो व्यंजनों के माध्यम से अथवा एक व्यंजन एक स्वर के माध्यम से होता है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब यहां पर बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दो व्यंजनों के माध्यम से, या ये एक लाइन लिखी है, एक व्यंजन एक स्वर के माध्यम से, इसका आप लोग अर्थ समझिएगा। दो व्यंजन, कोई भी आपके सामने अगर शब्द दिया जाता है, ठीक है, उस पहले शब्द का अंतिम अक्षर भी व्यंजन निकले और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर भी व्यंजन निकले, तो वहां पर सदैव और सदैव व्यंजन संधि ही होगी। उसके बाद में एक व्यंजन निकले, यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन निकले और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर स्वर निकले, या प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर निकले और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर व्यंजन निकले, तो वहां पर सदैव और सदैव व्यंजन संधि ही होगी। बात समझ गए? जैसे मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं एक वर्ड, वाक प्लस जाल, ठीक है, वाक प्लस जाल। मैंने कहा ना, आप लोग अब देखिएगा, वाक तो अंत में क्या निकल रहा है, प्रथम शब्द के अंत में क्या निकल रहा, का निकल रहा है, ठीक है, और क्या क्या का क्या है, व्यंजन है। ये आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं ना पहले से। उसके बाद में जो जाल लिखा गया है, जाल में क्या है, जो जा है वो भी एक क्या है, वो भी एक व्यंजन है, क्योंकि आपको स्वर पता है हिंदी वर्णमाला में केवल और केवल 11 स्वर होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ री,
ए ए ओ आओ, ये आपके स्वर होते हैं। इनको छोड़कर जितना भी बचता है, अंग आह को छोड़ देते हैं, अयोग वाह होते हैं, उसके बाद में जो भी शेष बचता है वो सबका सब व्यंजन होता है। बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है, हम आगे अब चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। अब देखिए का, वाक का क्या है? व्यंजन है। और ईस, ई क्या है? ये भैया आपको पता होगा ये स्वर है, वही तो मैंने परिभाषा में लिखाया है। जब दो शब्दों का मेल दो व्यंजनों के माध्यम से अथवा एक व्यंजन एक स्वर के माध्यम से होता है तो वहां पर सदैव और सदैव व्यंजन संधि ही होगी। जैसे वाक पहले शब्द का अंतिम अक्षर का क्या है? एक व्यंजन है। और जाल में जा क्या है? जा भी एक व्यंजन है। जब ये दोनों आपस में मिले जाते हैं तो एक शब्द बन जाता है जिसे कहा जाता है वाक जाल। ठीक है, ऐसे ही वाक पहले शब्द का अंतिम अक्षर का क्या है? व्यंजन है। और ईस में ई क्या है? एक स्वर है। ये दोनों आपस में जब भैया मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वागीस। बात क्लियर है? हो जाएगा ना, इसको आप लोग नोट कर लेना है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ इनके रूल हैं व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए, कई सारे तरीके हैं, कई सारे रूल हैं, तो उनको हम एक एक करके हम समझते चलेंगे और आपको बेहतर तरीके से आएगा। और देखिएगा, मैं फिर से आपको पुनः अवगत करा रहा हूँ कि मेरे जो पिछले वीडियोज पड़े हैं वर्णमाला के, उनको आप एक बार देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं का रोल है। ठीक है, क्योंकि जितनी बेहतर नींव होगी, मजबूत, उतनी ऊंची आप इमारत खड़ा कर सकते हो। ठीक है, जब आपको वर्णमाला बेहतर तरीके से आएगा तो संधि वगैरह आपके लिए बिल्कुल और बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, और संभवतः कोशिश करिएगा कि वीडियो जो भी हैं उनको एक बार, एक दो तीन बार आप इनको रिवाइज करिएगा। जब आप रिवाइज करिएगा, इनका नोट्स बनाइएगा, आपका और बेहतर होता चला जाएगा। तो ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में हम रूल नंबर पहला पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है? तो देखिए भाई, ये इतना समझ गए हो तो अब रूल नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। रूल नंबर यानी कि रूल आपका कौन सा है? पहला। ठीक है, देखिए रूल या नियम नंबर वन, नियम नंबर वन ये कहता है, नियम नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, देखते रहना है भाई, सुनते रहना है बेहतर तरीके से। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क, च, ट, त और पा में से, कु, चु, टु, तु, पु में से, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो। और मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया है, व्यंजन जब पढ़ा रहे थे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, मैंने आपको ये बताया कि हिंदी वर्णमाला में पांच वर्ग होते हैं, एक का वर्ग होता है, एक चा वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक पा वर्ग होता है और एक ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है, यानी कि ये पांच प्रकार के वर्ग होते हैं। इन्हीं वर्गों में पांच पांच, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच सदस्य होते हैं। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ढा, पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये बात इतनी आपको क्लियर हो गई। अब देखिएगा, कहा गया है प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क, च, ट, त, प में से, तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा वो, दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा वो किसी भी वर्ग का कौन सा भैया वर्ण होगा? तीसरा या चौथा वर्ण होगा। जैसे का वर्ग का तीसरा चौथा कौन सा वर्ण होता है? अब आपको पता होना चाहिए वर्ग। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हो, देख लीजिए आप लोग एक बार, का, खा, गा, घा, अंगा,
और चाछा जाझा इयां और टाठा डाढ़ा ला और ताथा दाधा न पाफा बाभा मा। बात क्लियर हो गई? ये इतना। अब देखिएगा इसमें, देखो ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, ये किसी भी वर्ग का दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। अब आपसे ये पूछा गया है दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो। अब तीसरा चौथा वर्ण का मतलब ये है का वर्ग का, भैया तीसरा चौथा वर्ण क्या है? गा है और घा है। बात क्लियर हुई? ये समझ पा रहे हो आप लोग बेहतर तरीके से? अब ऐसे चा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या है? जा है और झा है। ठीक है, फिर अगला क्या है? टा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या है? डा है और ढा है। ठीक है, अब ता वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या है? दा है और धा है। ये बात क्लियर हुई? पावर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या है? बा है और भा है। बात इतनी क्लियर हुई? ये समझ पा रहे हो? ठीक है, मैंने आपको ये बताया है प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का च टा ता पा में से तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तथा तथा या रा लावा या रा लावा। ठीक है, यारा लावा, यारा लावा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में सभी स्वर, कोई स्वर यानी कि कोई स्वर अगर निकल के आए, कोई स्वर निकल के आए अगर इस प्रकार का बन रहा है तो वहां पर सदैव और सदैव व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अब यहाँ पे का च ट त प जो वर्ण होगा वो अपने कौन से अक्षर में बदल जाएगा? अपने अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। किसमें भैया? तीसरे अक्षर में बदल जाता है, बदल जाता है, तीसरे अक्षर में बदल जाता है। बात क्लियर हो गई? समझ में आया ना? ये किसमें बदल जाएगा? अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। जब हम संधि करेंगे दो शब्द आपस में जैसे ही मिलेंगे तो ये जो आएगा निकल के ये अपने ही तीसरे वर्ग के अक्षर में बदल जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का च ट त प में से तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या यारा लावा हो या कोई स्वर अगर निकल के आता है तो क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये बात हुई। ठीक है, अब जैसे हम आपको कोई बता रहे हैं कोई एग्जाम्पल्स, आप देखिएगा जैसे लिख दिया गया है आपके सामने वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। अब देखिए वाक प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का है ना, इसमें से मिल रहा है ये रूल में। अब रूल भी फिट करिए, उसके बाद में ईस, ई क्या है? एक स्वर है ना, तो बात क्लियर हो गई ना कि ये रूल इसमें फिट बैठेगा। अब जो का है वो किसमें बदलेगा? का अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, और का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? गा है। तो इसीलिए जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? वा गीस। बात क्लियर हुई भैया? ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब इसी का जब हम वागीस आपके सामने कोई शब्द लिखा हो और इसको बोल दे कि इसका विच्छेद कीजिए, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? अब वागीस लिखा है तो हम क्या करेंगे? गा किसमें बदल जाएगा? गा अपने वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल जाएगा, और गा प्रथम अक्षर में बदल जाएगा तो क्या होता है? वाक का होता है, और बचा का ईस, बचा ईस को ईस हम लिख देते हैं। देखो बात वही है, तोड़ना और जोड़ना कितना आसान है, कितना आसान है। बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपको सीखना है, बस आप कर ले जाओगे। ठीक है, अगला हम बताते हैं आपको, एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ वाक जाल, देखिएगा जैसे लिखा है आपके सामने
वाक जाल, वाक प्लस जाल। अब देखिएगा वाक जाल लिखा है, देखो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का है और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर जा है, देखो जा है मिला है ना, तो ये रूल सही है। अब रूल सही है तो का किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे अक्षर में बदल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाग जाल हो गया ना, बात क्लियर है। बस कौन सी दिक्कत बात है, आप लोग कर ले जाओगे बेहतर तरीके से, हमें पता है समझ में आएगा बेहतर तरीके से आप लोग कर पाओगे इसे। अगला हम बोलते हैं एक और एग्जांपल, जैसे लिखा है उत्गम, उत प्लस गम, उत प्लस गम, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ता और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर गा, देखो गा निकल के आ रहा है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, वो अपने जो ता है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, और ता वर्ग देखिएगा ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, दा है। अब जब दा है तो क्या हो जाएगा, उद प्लस गम, उद प्लस गम, यानी कि उद गम, ये एक शब्द बन गया उद्गम, बात क्लियर, आप लोग कर पाओगे, ये आप समझ गए हो रूल नंबर फर्स्ट। अगर ये आप रूल नंबर फर्स्ट समझ गए हो तो हम आगे बात करते हैं। एक बार और इसे देख लीजिएगा, इस रूल में बच्चा ये है, ये बताया गया है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क च ट त प में से तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या यारा लावा निकले या कोई भी स्वर निकले, तो क च ट त प अपने ही तीसरे वर्ग में अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये इसका रूल है, नियम है, कायदा है। और आप देखिएगा, आपको मैंने बताया जैसे वाग जाल, वागीस आपको बताया गया, उत प्लस गम बताया गया, ये सारे कई उदाहरण आपको बताए गए, और आशा है कि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। ये तो रूल नंबर फर्स्ट हो गया, यानी कि नियम कायदा नंबर एक हो गया। अब हम अगले नियम कायदा कानून पे चलते हैं, उसको भी आप लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, जो आप लोगों को ना समझ में आए उसे आप कई बार देखिए, इस वीडियो में आप लोग कई बार देखने का प्रयास करिए, और संभवतः मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, जैसे नियम नंबर दो, नियम नंबर दो, नियम नंबर दो देखिए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी करना ही नहीं है। नियम नंबर दो में क्या कहता है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क च ट त प, क च ट त प में से तथा दूसरे शब्द का, देखिएगा इधर देखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क च ट त प में से तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ना अथवा मा में से हो, ना अथवा मा में से हो। ठीक है, या तो ना हो या तो फिर क्या हो, मा हो, एक शब्द एक वर्ण निकले, तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है, अपने ही पांचवें अक्षर में बदल जाता है, अपने ही पांचवें अक्षर, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। भैया क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ, देखिएगा ये बताया गया है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क च ट त प में से तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ना और मा में से, ना अथवा मा में से हो, तो जब हम जोड़ते हैं तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। तो ये बात क्लियर हुई, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे आपके सामने कोई भी एग्जांपल लिखा हुआ है, उदाहरण लिख दिया जाएगा, जैसे कि वाक प्लस मय, ठीक है, वाक प्लस मय, तो वाक प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, का है, और मय यानी कि माँ जो क्या है, दूसरे
शब्द का प्रथम अक्षर क्या है? माँ है। देखिए आपके सामने में उदाहरण लिखे दे रहा हूं, वाक प्लस मय। देखिएगा वाक प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या इसमें से आ रहा है भैया? देखो आ रहा है का, तो ये का आ गया, ठीक है। और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर माँ, देखो ना अथवा माँ में से हो तो क्या आपको मिल गया? माँ मिल गया। तो ये बात सही है, रूल सही है। उसके बाद में जो ये क च ट त प है, ये अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? पांचवे अक्षर में बदल जाएगा। भैया ये जो का है ये अब अपने पांचवे अक्षर में, देखिएगा इसका पांचवा अक्षर क्या है? अंगा है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके सामने हो जाएगा वांग्मय। क्लियर है, आया? ठीक है। मैंने देखो फिर से आपको मैं बता रहा हूं, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या निकले? क च ट त प में से निकले, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ना अथवा मा में से निकले। तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। देखो वाक प्लस मय लिखा गया, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का आया, आया ना, मिल गया आपको, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ना अथवा मा में से हो तो यहाँ पे क्या है? मा है। तो ये का जो है अपने कौन से अक्षर में बदल जाएगा? पांचवें में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। का वर्ग का जो पांचवा अक्षर क्या है? अंगा है ना। अब अंगा में जब बदल गया तो क्या लिख गया? वांग्मय हो गया। बात क्लियर? आगे बढ़ा जाए, एक और उदाहरण आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा होता है जगतनाथ, जगत प्लस नाथ। देखो एक माँ वाला देख लिए, एक ए वाला देख लीजिए। अब देखिएगा जगत प्लस नाथ, जगत यानी कि किसी प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या निकल रहा है? ता निकल रहा है ना, बोलो भैया, ता निकला ना। उसके बाद में जो दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या निकल रहा है? ना निकल रहा है ना। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या होता है, ता अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है, और ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? तो ना है। तो ये जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। बात क्लियर हुई, कर पाओगे ये? ठीक है। अब जगत प्लस नाथ लिखा गया, जगत प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ता है, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या है? ना, क्योंकि आपको ये बताया गया ना अथवा माँ में से हो तो यहाँ पे ना निकल रहा है ना, और माँ वाला आपको एक और बता दिया गया था एग्जांपल। तो ये जो ता है वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है, और ता वर्ग का देखो यहाँ पे लिखा है ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ना है। तो ये क्या लिख गया? जगन्नाथ हो गया। तो बात क्लियर हुई, ठीक है, ठीक है। अगला नियम बताया जाए तो बात, पहला नियम आप समझ गए हो, दूसरा नियम समझ गए हो, अब हम बात करते हैं अगले नियम, अगले नियम मतलब तीसरे नियम की ओर अब चलते हैं। तीसरा नियम भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तीन नियम देख लीजिए आज, फिर अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये तीनों नियम आप लोग अपनी कॉपी पर, जहाँ पर आप लोग अपना नोट्स बना रहे हो वहाँ पर लिखते भी रहना, और आप लोगों के पास प्रैक्टिस बुक वगैरह होगी उससे प्रैक्टिस किया करिए, देखिएगा सब पूरा सही निकलता है या नहीं, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे जब आप करोगे आपका बेहतर हो जाएगा, बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। तो नियम नंबर क्या है अगला? नियम नंबर तीन है। देखिए नियम नंबर तीन क्या है, नियम नंबर तीन देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या निकले? माँ। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या निकले? माँ। तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या निकले? कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण निकले। यानी कि आपको ये बताया गया है प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर माँ निकले, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या निकले? कोई भी वर्ण निकले। तो वह जो माँ होगा वो किसमें बदल जाएगा? वो अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, बदल जाता है। अब अनुस्वार आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है। अनुस्वार मतलब क्या होता है? जो अंग की मात्रा होती है इसको भैया कहा जाता है
अनुस्वार। अब देखिएगा इसको तोड़ लीजिए अपने आप से, अनुस्वार, अनु मतलब बाद में और स्वार मतलब स्वर के, जो स्वर के बाद में तुरंत वर्ण आता है वो हिंदी वर्णमाला में क्या है, अंग है, ठीक है। और यह हम परिभाषा के माध्यम से सीखते हैं तो अनुस्वार हिंदी वर्णमाला के बोले जाने वाले ऐसे वर्ण जिनमें केवल और केवल नासिका का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, और वो वर्ण केवल और केवल अंगाई है। बात क्लियर हुई, अनुस्वार या हम बोल सकते हैं नासिक, ये बात हो गई। दूसरी बात, नासिक में बदल जाते हैं, नासिक में बदल जाते हैं। अब नासिक में बदल जाता है, नासिक क्या है, नासिक हिंदी वर्णमाला के बोले जाने वाले ऐसे वर्ण, ठीक है, जिनमें या जो उत्पन्न तो अपने आधार से ही होते हैं लेकिन उनमें नाम मात्र की नाक का प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें नासिक कहा जाता है। यानी कि 90% अपने आधार से ही उत्पन्न होते हैं लेकिन उसमें 10% अर्थात नाम मात्र की नाक का प्रयोग कर लिया जाता है जिन्हें कहा जाता है नासिक। अर्थात नासिक कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, जो पंचमाक्षर जिन्हें कहा जाता है उन्हीं को नासिक कहा जाता है। मतलब कौन कौन, देखिएगा, अंगा, इया, ला, न और म, ये जो होते हैं इनको नासिक कहा जाता है। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर मा तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर कोई भी वर्ण हो तो मा अनुस्वार में बदल जाएगा या बदलता है, बदल जाता है या नासिक में बदल जाता है। तो बात क्लियर हो गई। अब जैसे आपके सामने कोई एक एग्जांपल बता दिया गया, जैसे आपके सामने लिख दिया गया अलम प्लस कार, देखो अलम प्लस कार ये आपके सामने लिख दिया गया, देखो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या मा ही है तो मा निकल रहा है, ये एक बात आपने कर ली कंप्लीट। और फिर क्या कहा गया है, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण, यहाँ पे क्या निकल रहा है, का निकल रहा है। अब जो मा है वो किसमें बदल जाएगा, वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। हम चलो सबसे पहले क्या करते हैं, अनुस्वार में बदलते हैं। तो अनुस्वार में जब हम बदलेंगे तो अलंकार ये लिख दिया जाता है, अलंकार, ठीक, ये लिख दिया गया। लेकिन भैया वर्तनी के दृष्टि से ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध नहीं है। क्यों, क्योंकि हिंदी के जो भी विद्वान हुए उन्होंने बताया, उन्होंने अनुस्वार को इसीलिए बनाया और बताया अंग की मात्रा कहाँ पर और कब अंग की मात्रा लगेगी, कहाँ पर नहीं लगेगी। अब देखिएगा उसके लिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जिस अक्षर पे, जिस वर्ण पे अनुस्वार लगा होता है या अंग की मात्रा लगी हुई होती है उसका अगला वर्ण वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। अर्थात का से लेकर माँ के, माँ का से लेकर माँ के बीच में आता है तो वो अपने मात्रा का प्रयोग अपने पंचमाक्षर से करता है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो देख लीजिए एक बार और, का खा गाघा अंगा, चाचा जाझा इया, टाठा डाढ़ा ला, ताथा दाधा ना और पाफा बाभा मा। देखिएगा अब यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया है कि जिस पर अनुस्वार लगा होता है उसका अगला वर्ण वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है, अर्थात का से लेकर मा के मध्य में वो वर्ण आता है तो वो अपनी मात्रा का प्रयोग अपने कहाँ से करेगा, पांचवें अक्षर से करेगा। इसीलिए भैया अलंकार ये गलत होता है। देखिए रूल में इसीलिए साफ साफ स्पष्ट रूप से आपको लिखा भी दिया गया है कि नासिक में बदल जाता, इसीलिए लिखाया गया क्योंकि अब ये ला है, ला के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तथा अगला वर्ण क्या है, एक स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है और ये जो अंग की मात्रा है ये अपने पांचवें का जो है वो अपने पांचवें अक्षर से लगाएगा, तो इसीलिए अलंकार इस प्रकार का सही लिखा होता है।
ठीक है, तो बात समझ गए हो, एक चीज ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम एक और एग्जांपल उठा लेते, जैसे लिखा होता है संयोग, सम प्लस योग। ठीक है, देखो सम प्लस योग, सम प्लस योग, सम प्लस योग, देखिएगा सम प्लस योग प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर मा तथा दूसरे शब्द का कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण है तो सही है, तो इसमें मा जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। हम अनुस्वार में बदलते हैं तो सा है, अंग की मात्रा लगा दी और लिख दिए क्या संयोग, हो गया ना। अब यहाँ पे अनुस्वार क्यों लगा, यहाँ समझ लो, क्योंकि ये सा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तथा उसका अगला वर्ण क्या स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है, का से लेकर माँ के बीच में क्या आता है, तो आपको या नहीं दिखेगा इसमें, और जब नहीं दिखेगा तो वो अपने अनुस्वार का ही प्रयोग कर लेगा और आपका ये सही हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई, और आगे एक और बताया जाए, चलो और आगे देखिए सम प्लस यम, एक और देख लो सम प्लस यम, जैसे आपके सामने लिख दिया गया है सम प्लस यम। ठीक है, सम प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर मा निकल रहा है, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर कोई भी वर्ण निकल रहा है ना, तो मा किसमें बदल जाएगा, या तो अनुस्वार में बदलेगा या तो नासिक में बदलेगा। अब संयम तो ये क्या हो जाता है सायम, अब क्यों, क्योंकि सा के ऊपर अंग की मात्रा है, अनुस्वार लगा हुआ तथा उसका अगला वर्ण या का इसके अंतर्गत आता है, नहीं आता है, जब नहीं आता है तो अनुस्वार का ही प्रयोग करेगा और ये आपका वर्ण सही हो जाएगा। तो बात क्लियर हुई, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आपको ये बेहतर तरीके से अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों सहपाठियों, ठीक है, जो भी आपके यार मित्र, जो भी आपके सखा संबंधी लोग हैं उनमें इसको शेयर करिए और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।